नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन के बाद पूरा देश शोक में डूब गया, तो वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। काशीवासियों ने पीएम की मां हीराबेन की आत्मा की शांति के लिए पांडेय घाट पर श्रद्धांजलि देते हुए मां गंगा में दीपदान कर भगवान से प्रार्थना की कि मां हीराबेन की आत्मा को शांति प्राप्त हो। इस बारे में काशीवासी क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। सर अपना परिचय। मैं पार्षद बंगाली टोला श्री चंद्रनाथ मुखर्जी। सर कितना गम का ये माहौल है और क्या किया आज आप लोगों ने? आज सुबह जब पता चला हम लोगों को कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के माता जी श्रीमती हीराबेन जी का निधन हो गया, तो सारे माहौल मतलब एकदम गंभीर हो गया और उदास हो गए कि 2022 जाते जाते पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को रुला के गए आज। और माता जी को हम लोग बंगाली टोला के तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि बाबा विश्वनाथ को निवेदन है कि माता जी को उनके चरणों में स्थान दे, जिसके लिए आज हमारे बंगाली टोला के महिला और पुरुषों ने माँ गंगा के पास उनके शांति के लिए हम लोग अर्चना किए कि माता जी को जो है अपने चरणों में स्थान दे। अपना परिचय। तनुश्री मुखर्जी। तनुजी, आज आप लोग श्रद्धांजलि दे रही हैं, कहाँ श्रद्धांजलि दे रही हैं और कितना दुख का घड़ी है ये? आज तो बहुत ही दुख का घड़ी है, क्योंकि एक माँ तो माँ ही होता है, माँ का जगह कोई ले नहीं सकते। उसका नाम हीरा था, तो वो अपने दिल से हीरा निकाल के उसको बेटे के सौंप दिया, जिन्होंने जिसके माथे में पूरा देश का दायित्व है। और हम लोग आज सुबह आए और गंगा तट में उनका श्रद्धांजलि दिया दीप जला के। बहुत दुख का बात है, उन्होंने जहाँ भी रहा उनका आत्मा को शांति मिले, बस यही हम लोग कामना करते हैं। नमस्कार। फिलहाल आपको बता दें, पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन शुक्रवार तड़के अहमदाबाद के अस्पताल में हुआ। हीराबेन की उम्र 100 साल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था।